नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जुहे सिंह। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मामला उत्तराखंड के गढ़वाल से है, जहां नेशनल हाईवे 58 पर एक बस की सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोनभद्र के बीजपुर में एनटीपीसी रिहन परियोजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। रोजाना लगभग 20,000 फ्लाई ऐश से ईंट बनाए जा रहे हैं, जिससे प्लांट से निकलने वाले खराब ऐश का भी इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि एनटीपीसी रिहंद के मुख्य महाप्रबंधक देवव्रत पाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इन ईंटों के उत्पादन का लाइसेंस भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया गया है। कीमत जो है वो लाल ईंटा के बराबर से काफ़ी कम है। मतलब लाल ईंटा कीमत अभी हमें पता नहीं है कितना क्या कीमत मिलता है, बट हमारे यहाँ का जो एस का बैस ब्रिक जो बन रहा है, इसका कीमत लगभग जो है 3.25 रुपया पड़ेगा हमारे यहाँ पे फैक्ट्री पे। अगर जिसको ले जाना है उसका अलग से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस लोडिंग करना पड़ेगा, बट हमारे यहाँ पर 3.25 रुपया पड़ेगा। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट है। हम तो चाहेंगे जो भी ब्रिक यूज़ करता है, जो भी ईंटा यूज़ करने वाला, जो भी यूजर्स है, जैसे बिल्डर्स हो, बाकी छोटा वोटा जो हमारा जो मकान बनाते हैं, वो लोग भी जो है ना ईटा के यूज करें। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां सीएम से राम गोपाल यादव के मिलने की सपा विधायक ने हिमायत की है। जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी पर गैर भाजपाइयों के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी और पुलिस प्रशासन से समूचे देश में गैर भाजपाइयों को परेशान कराया जा रहा है। भाई, ईडी और सीबीआई का मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, देखिए डर उनका उन बताना अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि उसका डर बताया है। जो भारतीय जनता पार्टी है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग तो कर ही रही है, और अब से नहीं कर रही, जब से 2014 में सरकार बनी है तब से ही दुरुपयोग उसका कर रही है। और कहीं भी, चाहे कोई महाराष्ट्र हो, भाई अब मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर संविधान कहाँ रहा? जहाँ सरकार इनको बहुमत दे रही है वहाँ तो सरकार ये बना ही रहे हैं, जहाँ बहुमत नहीं दिया गोवा में ज़बरदस्ती सरकार बना ली, कर्नाटक में सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा कर बना ली, और महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा कर बना ली, अब टारगेट कर रखा छत्तीसगढ़ को। तो उसकी इसका डर और खौफ दिखा करके लालच के लालच कर दे करके लोग विधायकों को अपना ये तोड़ने का सरकार को काम कर रहे हैं। लेकिन इस उससे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दबने वाले नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी खेल के मैदान में इंडिपेंडेंस डे चिल्ड्रन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बता दें कि हर वर्ष यह टूर्नामेंट अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिसका फाइनल राउंड 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कराया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां भूरागढ़ पावर हाउस रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध का शव बरामद किया गया है। राहगीरों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। शव की पहचान बोधीपुरवा निवासी राम कुमार निषाद के रूप में की गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती का है, जहां बाल सुधार केंद्र में जमकर नशे का कारोबार चल रहा है। जहां बच्चों को सुधरने के लिए रखा जाता है, वहां कैदी मोबाइल से लेकर सिगरेट पान तक का सेवन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने छापा मारकर कई आपत्तिजनक चीजों को बरामद किया है, जिसके बाद से बाल सुधार केंद्र में हड़कंप मच गया है। जो जो चीजें मिलती हैं उनके संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत करें। उनकी प्राप्त विस्तृत आख्या से स्पष्ट हुआ कि इसमें जो है 2-4 अदद मोबाइल्स प्राप्त हुए थे, और कुछ खाद्य सामग्रियाँ जो कि अवांछित हैं वहाँ पर प्रतिबंधित है, वो भी वहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखाई दी थी, जो कि आवागमन होता था। इस संबंध में वहाँ बयान आदि लेने पर SDF साहब की रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षक के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। वहाँ पर तैनात होमगार्डों को वहाँ से हटा दिया।
तथा जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था में कई खामियां देखने को मिली है। इसके जांच के लिए नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड टीम पहुंची है, जो 3 दिनों तक यहां रुककर मरीजों और डॉक्टरों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि टीम ने आज से जांच शुरू भी कर दी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।